अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी रोहित शर्मा जी, और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, रोहित जो हैं वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं डेली से। और रोहित, बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आ जा पाए, थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी, और इट्स अ प्लेजर टू बी एट ऑन योर शो। थैंक यू सो मच। आ नहीं पाया, बस ये था, और मैं थोड़ा लाइट सेट कर रहा था तभी इसी वजह से। कर लीजिए लाइट सेट, कर लीजिए लाइट सेट, हो गई, डोंट वरी, लाइट सेट हो चुकी, डोंट वरी, यू कंटिन्यू। बस तो आज हम रोहित जी, आज हम बात करेंगे जरा इजराइल और ईरान की, और दोनों तरफ जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स की भी बातें की जा रही हैं। जो लोग पाकिस्तान में बात कर रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इसका खतरा है, और बाकी कंट्रीज की भी जो स्टेटमेंट्स आती हैं या वहाँ के जो जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं उनकी अगर आप देखें न्यूज में, तो लोगों को लग रहा है कि टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गल्फ कंट्रीज जो है वो खामोश है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो भारत की तरफ से भी कोई खास क्लियरली कोई बात नहीं की जा रही, और बात है कि आपके ईरान और इसराइल दोनों से ही अच्छे टर्म है। क्या देख रहे हैं आप कि आगे क्या होने जा रहा है? कुछ टेंशन बढ़ेगी या फिर कोई ना कोई बात करके और इस चीज को संभाल लिया जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसराइल में अपने एक दोस्त से बात की थी, वो बोले कि हमें उम्मीद है कि इसराइल ईरान पुल आउट कर जाएगा, और जिस समय मेरी बात हो रही थी उसी समय ईरान का एक वो आया, स्टेटमेंट आया कि हमें डर नहीं है कि ये जो हमारा रिटेलिएटरी स्ट्राइक है ये वॉर पे वॉर में कन्वर्ट हो सकती है, हमें कोई डर नहीं है। अच्छा, ईरान एक पब्लिक पोस्चरिंग में है, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान को पता है पिछली बार भी जो स्ट्राइक हुई थी वो होनी नहीं थी, लेकिन हुई। क्यों हुई? इसलिए हुई कि ईरान के जो रिपब्लिकन गार्ड्स हैं या ईरान की जो आर्मी है उसका मोराल डाउन हो रहा था, उस मोराल को ठीक करने के लिए पिछली बार स्ट्राइक्स हुई थी, और वो स्ट्राइक्स ऐसी हुई थी जिस स्ट्राइक्स में मतलब वो स्ट्राइक कम और मजाक ज्यादा था। पहले बता दिया गया था कि यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, ऐसे करेंगे, जरा इसको तुम लोग ऐसे डील कर लेना। तो इट्स लाइक यू नो वो मजाक था। इस बार मजाक होगा कि नहीं होगा, इस पर हमें शक है। इस बार थोड़ा मैटर सीरियस हो चुका है क्योंकि एक बहुत बड़े आदमी का मर्डर हुआ, इस्माइल हानिया नाम था उनका, और वो हमास के बहुत बड़े लीडर थे। अच्छा, एक चीज कि इस असैसिनेशन पे भी बहुत सारे शक है, लेकिन रियलिटी मैं आपको बता देता हूँ, रियलिटी ये है कि अमेरिका के B2 बॉम्बर्स कतर एयरबेस पहुंच चुके हैं और कतर में उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसराइल ने F-35 जो कि अमेरिका का लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है, और वो फाइटर जेट है, मल्टी रोल फाइटर है, उसमें न्यूक्लियर वेपन्स इक्विप कर रहा है। दो कंट्रीज ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स वहीं विसिनिटी में लगा रखे, एक इसराइल और एक अमेरिका। अच्छा, कतर पे जो B2 बॉम्बर्स पहुंचे हैं, बॉम्बर एक जमाने की खबर होती है, एक जमाने की चीज हुआ करती थी, अब बॉम्बर्स हमें ज्यादा दिखते नहीं है। बॉम्बर होता क्या? बॉम्बर ये होता है कि ऊपर से प्लेन जाता है और वो बहुत सारे बॉम्ब, वियतनाम वॉर की हम लोग अगर वीडियो देखें तो बड़े सारे लाइन से बॉम्ब गिरते हुए दिखते थे, वो होता है बॉम्बर। अब हमारे पास जो इंडिया और पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट्स हैं उसमें विंग के नीचे लगे होते हैं बॉम्ब्स, वो 4-8 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, 8 जनरली 8 होते हैं, 6-8-10 मैंने सुने नहीं है, वो हार्ड पॉइंट्स के ऊपर गाइडेड मिसाइल लगे होते हैं वो। अच्छा, बॉम्बर क्यों पहुंचा है? बॉम्बर इसलिए पहुंचा है कि देयर इज अ रियल थ्रेट ऑफ वॉर, सच ये, ठीक है। ईरान ने अब तक नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे नहीं करेगा। देयर इज अ थ्रेट, मतलब जैसे बोल रहे हैं कि थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर इज अ सीरियस वन, कभी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ईरान, पहले बोला जाता था कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है, हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जब से ये इस्माइल हानिया की मर्डर हुआ है तब से ऑन एन एवरेज हर 3-4 घंटे में मॉस्को से एक प्लेन उड़ता है और तेहरान लैंड करता है। वो वहां पर बातचीत के लिए नहीं जाता है, वो वहां वेपन्स देने जाता है। जैसे यूक्रेन वॉर से पहले हर घंटे पर
एक प्लेन लैंड कर रहा था यूक्रेन की कैपिटल में, वेस्टर्न वर्ल्ड से आ रहा था। तो एक वॉर टाइप सिचुएशन तो बनी हुई है। हमने कितने ऐसे प्लेन ट्रैक किए हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ प्लेन ट्रैक में, अगर मेरे को वो मिले तो, बहुत सारे कितने ऐसे प्लेन ट्रैक किए हैं जो कि मॉस्को टू तेहरान गए हैं। तो ये हमने देखने की बात है कि ये प्लेन जा रहे हैं और ये क्या करने जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं, वेपन्स लेके जा रहे हैं ये। तो एक एक्सेस बनती हमें दिख रही है, इंडिया न्यूट्रल है, नो डाउट अबाउट इट। इस्माइल हानिया की हत्या जो हुई है वो कब हुई, वो कैसे हुई, और बॉम्ब दो महीने पहले किसने फिट किया, अभी तक इस पर सर 2 महीने पहले बॉम्ब फिट कर दिया, किसी को पता नहीं लगा, ये भी तो कोई अजीब सी बात लगती है ना कि 2 महीने से बॉम्ब लगा रहेगा और किसी को पता नहीं लगेगा। मतलब बहुत ही कहना चाहिए कि खाली दिमाग से लोग होंगे कि उनको 2 मंथ्स बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि इतना हाई प्रोफाइल, चाहे वो हमास का लीडर हो या कुछ भी हो, हाई प्रोफाइल तो था ना, तो वो रह रहा है और किसी को खबर नहीं कि वहां पे बॉम्ब लगा दिया गया, ऐसा कैसे? बिल्कुल सही, पता ही नहीं लग रहा है। लेकिन मैं अगर आपको दिखाऊं तो पता ही एक चीज तो ये भी कि जिसने भी फिट किया ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था, और इस लार्जर कॉन्स्पिरेसी में हमें ये क्लैरिटी मिली कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी चीज होने वाली है। ठीक है, अब आप अगर देखें तो ये मूवमेंट है मॉस्को टू तेहरान प्लेन्स की, और जो प्लेन है वो IL-76TD है, और इसमें कितने वेपन्स आ सकते हैं आप साथ देख सकते हैं, मतलब ये स्क्रीन पे अगर आप दिखा दें अपने व्यूअर्स को, तो ऐसे एक दो प्लेन नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्लेन्स मूवमेंट कर रहे हैं। ये मैं आपको रियल टाइम डेटा से दिखा रहा हूँ, मॉस्को IL-76TD जा रहा है, ये मॉस्को से तेहरान जा रहा है। अच्छा, एक अकेला नहीं, ऐसे बहुत सारे प्लेन और गए हैं। तो ये रियलिटी है, कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, ये एक 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 यू नो एक नेटवर्क बनता दिख रहा है, एक एक्सेस बनती दिख रही है। अब आते हैं एक्चुअल बात पे कि इसके हमें रिपरकशंस क्या दिखेंगे। आज जो मैंने अपने दोस्त से बात की, इजरायली दोस्त से, उन्होंने मुझे बोला कि इंटेलिजेंस फोर्स ये सजेस्ट करती हैं कि इस मंडे नहीं, नेक्स्ट मंडे इजरायली स्ट्राइक्स, ईरानियन स्ट्राइक्स हो सकती है। अगर ईरानियन स्ट्राइक्स नेक्स्ट मंडे होने जा रही हैं, जो कि अगर इजरायल की इंटेलिजेंस बता रही है, मोसाड तो बहुत बहुत स्ट्रांग हुआ है, अब रिटेलिएशन आएगा, दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस समय ईरान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, हालांकि ये भी बोला गया है कि एक कैरियर दूसरे को रिप्लेस करने जा रहा है। USS Abraham Lincoln जो के उधर पहुंच रहा है, USS Theodore Roosevelt ये भी वहीं पे है इस समय, ये दोनों के दोनों, Theodore Roosevelt और Abraham Lincoln, इन दोनों की कहानी क्या, साथ में और एडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबल क्रूजर्स और डिस्ट्रॉयर्स तो मूव कर ही चुके हैं। Theodore Roosevelt और Abraham Lincoln, एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है उसकी कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी मतलब वो कितने प्लेन रख सकता है, और वो एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, ये कि जहां पे भी एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचेगा वो युद्ध वो जंग का नक्शा पलट सकता है, क्योंकि उसके पास सब कुछ होता है, और वो अकेला नहीं चलता है। एयरक्राफ्ट कैरियर के आगे एक शिप होगा, पीछे एक शिप होगा, लेफ्ट में एक शिप होगा, राइट में एक शिप होगा, नीचे एक सबमरीन होगी, पूरा पूरा वो बैटल ग्रुप चलता है साथ में। अब ये बैटल ग्रुप जहां जाएगा वहां पे युद्ध को वो एकदम नक्शा पलट सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंडिया का जो है 45,000 टन और चाइना का जो है वो तकरीबन 60,000 टन, 45,000 टन का इंडिया का एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 30,000 टन भी था, इंडिया के पास दो हैं इस समय, एक एयर गोश को जो है 30,000 टन। अब बोला ये जाता है कि 1,000 टन इक्वल टू 1 एयरक्राफ्ट, एक प्लेन। अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो 1,00,000 टन प्लेन, मतलब 100 प्लेन रख सकता है वो, तकरीबन 90 से ऊपर, ये समझिए 90 प्लेन जिस कंट्री में जा, जिस कंट्री के पास पहुंच गए
और एकदम करीब पहुंच करके ये अटैक करता है। और क्योंकि इसके आगे एक शिप होता है, पीछे एक शिप होता है, राइट लेफ्ट शिप होता है, नीचे सबमरीन होती है, इसलिए इसको गिराना बहुत मुश्किल होता है। इसके प्लेन जो हैं वो किसी भी कंट्री को, जैसे बोलते हैं कि घंटों में खत्म कर सकते हैं। फिर अच्छा, दो खड़े हैं वहां पे। अमेरिका ने ये बोला है कि थियोडोर रूजवेल्ट को हम वापस बुला रहे हैं, इब्राहिम लिंकन को टेस्ट डिप्लॉय कर रहे हैं, लेकिन थियोडोर रूजवेल्ट अभी मूव नहीं किया भारत, थियोडोर रूजवेल्ट वहीं है और साथ में लिंकन भी पहुंच गया। तो 180 प्लेन घूम रहे हैं, साथ में आपके डिस्ट्रॉयर्स भी 10। अगर एक अटैक हुआ तो क्या इसराइल न्यूक्लियर अटैक करने से डरेगा? क्या इसराइल को रोका जाएगा न्यूक्लियर अटैक करने से? नहीं। लेकिन लेकिन मैंने तो हमेशा से रोहित यही सुना है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं या न्यूक्लियर एसेट्स होती हैं जिस किसी कंट्री के पास भी, वो सिर्फ दिखाने के लिए या डराने के लिए होती है, चलाने के लिए नहीं होती। इसलिए कि इससे पहले जब जापान ने किया था तो उसका रिजल्ट सभी ने देखा था, तो अब सबका यही कहना है कि चलाने की गलती कोई नहीं करेगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बात भी कर रहा था, तो एक बात याद रखिए कि इस वर्ल्ड में अगर 210 कंट्री है ना, तो 209 कंट्रीज की औकात नहीं है कि वो काम करें जो इसराइल ने किया। ऑपरेशन एंटेप या सीरिया का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करना, इराक के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करना, ये कोई कंट्री नहीं कर सकता था, इस दुनिया में कोई कंट्री नहीं कर सकता था। सच बात है, इंडिया ने अगर साथ दिया होता इसराइल का, तो आज पाकिस्तान का भी न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम नहीं होता। इसराइल ने ऑफर किया था कि हमारे प्लेन्स को सिर्फ तेल दे दो, सिर्फ तेल दे देना, हम पाकिस्तान के पूरे न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इंडिया ने मना कर दिया। एक चीज के अमेरिका के स्टैंडर्ड्स भी, आप बोलती हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स चलाने के लिए नहीं होते, सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। अमेरिका के स्टैंडर्ड्स या वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स इसराइल के लिए कुछ और हैं और हमारे लिए कुछ और हैं, ये भी आपको मानना पड़ेगा। जितने डेयरिंग ऑपरेशन इसराइल करता है, उतने डेयरिंग ऑपरेशन कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। ऑपरेशन एंटेप के बारे में कभी आप पढ़ेंगी तो इसराइल का एक प्लेन हाईजैक करके, और एंटेप उस समय युगांडा की कैपिटल थी, वहां ले गए थे, वहां पे सबको बंधक बनाया हुआ था, और इसराइली एयरफोर्स के प्लेन्स ने टेक ऑफ किया, लो फ्लाइट लेकर के उसी एयरपोर्ट पे लैंड किया, सबको छुड़वा के ले आए, करके दिखा दे पाकिस्तानी एयरफोर्स, मैं भी देख लेता हूँ, या इंडियन एयरफोर्स करके दिखा दे, अमेरिकन एयरफोर्स करके दिखा दे, या रशियन के चाइनीज करके दिखा दे, कोई नहीं कर सकता। डेयरिंग और अमेरिका और इसराइल डेयरिंग आके ऐसे ही नहीं है, इसराइल के पीछे बहुत लंबी चौड़ी लॉबीज हैं, इसराइल के पीछे पूरी यहूदी लॉबी है, वो यहूदी लॉबी जो अमेरिका के सारे बड़े बैंक्स को कंट्रोल करती है, सारे बिजनेसेस को कंट्रोल करती है, चाहे वो रॉकेफेलर का नाम अब निकल गया तो ठीक है चलेगा, चाहे वो रूथशाइल्ड हो, ठीक है दूसरा नाम भी ले लेता हूँ, चाहे वो कोई भी, ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी लॉबीज साथ काम करती हैं अमेरिका के या वर्ल्ड के सबसे बड़े बिजनेसेस को वो कंट्रोल कर रहे हैं। एंड इल्यूमिनाटी, इल्यूमिनाटी जिसको बोला जाता है कि इतनी सीक्रेट सोसाइटी है कि वो किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को मरवा सकते हैं और किसी भी कंट्री को कंगाल कर सकते हैं, इल्यूमिनाटी पे कंट्रोल किसका है? ज्यूश लॉबी का। लेकिन जो कहा जाता है इल्यूमिनाटी को, आज तक कभी भी इल्यूमिनाटी ये प्रूव नहीं हो पाई है, प्रूव होने कौन देता है। कहा जाता है रॉकेफेलर, कहा जाता है कि रूथशाइल्ड फैमिली की प्रॉपर्टी $3 ट्रिलियन की है, इंडिया की इकोनॉमी के बराबर। तो कभी रूथशाइल्ड, आप अडानी अंबानी को गाली देने 5 लाख लोग आ जाते हैं, और हमारे यहाँ भी, और पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी यूट्यूबर अडानी अंबानी को गाली दे रहा होता मैंने नहीं दी, मैंने नहीं दी। तो आपको पाकिस्तानी मानता कौन है? तो ये बात है। अच्छा, अब ये बताइए, यानी इंडिया के भी बहुत सारे यूट्यूबर्स दे रहे हैं, इंडिया के चैनल्स पे चल रहा होता कि अडानी का, मोहरा और अंबानी का, एक मैंने नहीं देखा आज तक रूथशाइल्ड के खिलाफ कोई आर्टिकल छपा हो या कोई वीडियो बना हो। कितने वीडियोस बने हैं,
रूथचाइल्ड की प्रॉपर्टी कितनी है, रूथचाइल्ड पांचों कॉन्टिनेंट में अपनी प्रॉपर्टी रखते हैं कि एक कॉन्टिनेंट में कहीं वॉर हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए तो हमारी प्रॉपर्टी खत्म ना हो। अकलमंद लोग ऐसे ही तो $3 trillion नहीं बनते ना। ब्लैक रॉक में कितने यहूदियों का पैसा लगा है, ये सारी चीजें अगर आप देखेंगी तो पता चलेगा कि इसराइल ऐसे ही नहीं खड़ा। और अब मेरे साथ प्रोग्राम में एक यहूदी थे, वो इंडियन थे, वो बाद में इसराइल जाके सेटल हो गए, वो बोले कि आज से थोड़ी हमसे कोई लड़ रहा है, ये आज ईरान हमसे लड़ रहा है, हमसे 5000 साल से लोग लड़ रहे हैं और हम आज भी हैं और आज भी हैं का मतलब ये है कि आज भी वर्ल्ड को कंट्रोल हम ही करते हैं। सच बात ये है, चाहे 5000 साल, उन्होंने ये मेरे साथ बोला, मेरे शो में बोला उन्होंने कि हमारे साथ हमारा प्रोसिक्यूशन किसने नहीं किया, पहले रोमन्स ने किया, फिर उसके बाद क्रिश्चियंस ने किया, फिर मुस्लिम्स ने किया, उसके बाद भी आज हम दुनिया के ऊपर शासन करते हैं। तो ये वो ज्यूज हैं, तो ऐसे वो अपने रूल्स सेट करते हैं, वो ऐसे नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं। मगर बहरहाल लेकिन फिर भी सर बहरहाल मैं तो यही समझती हूँ कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो यूज नहीं होने चाहिए, और कहीं ना कहीं जो बड़ी कंट्रीज हैं उनको ईरान और इसराइल के बीच में पढ़ के, बल्कि इसराइल और फलस्तीन के बीच में आके भी इस झगड़े को, इस वॉर को रोकना चाहिए। वॉर से किसी का कोई फायदा नहीं होता, जो जीत जाता है उसका भी फायदा नहीं होता और हार जाने वाले का तो वैसे ही फायदा नहीं होता। तो मैं नहीं समझती कि इसमें कहीं से भी कोई ऐसी चीज है कि जिसको के सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, मतलब इसराइल को भी समझाना चाहिए और ईरान में भी कोई कम सर फिरे नहीं रहते, तो इसलिए वर्ल्ड को बहुत ज्यादा ईरान को भी हल्के में ना ले। मैं इसराइल की या यहूदियों का महिमा मंडन नहीं कर रहा था, उनकी तारीफ नहीं कर रहा था, उनकी नहीं करिए तारीफ, करिए जहां तारीफ सर जहां तारीफ बनती है करिए तारीफ। हाँ जस्ट मिनट, मैं उनकी कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रहा था, मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स के साथ सच बता रहा था कि ये फैक्ट्स हैं और ये सच हैं। तो क्या इसराइल जो है वो अपने एक अकेला इसराइल है, 1967 12 अरब कंट्रीज को हराया था उसने अकेले ने, आज तक किसी को नहीं पता वो हराया कैसे, आज तक किसी को नहीं पता। ठीक है, आगे बात कर लें, योम किपुर वॉर 1973 इसराइल ने फिर करीब 4 या 5 अरब कंट्रीज को इकट्ठा हराया था, जबकि इजिप्ट के हाथ में सरफेस टू एयर मिसाइल्स पड़े थे, सैम जैसे बोलते हैं, ठीक है, तब भी हरा दिया था उसने, और इसराइल के हाथ में नहीं थे। और सिनाई पेनिनसुला ने छोड़ो, स्वेज कैनाल कितने साल तक उसके हाथ में रही, कोई काउंटिंग नहीं उसकी। तो इसराइल एक ऐसा कंट्री है जिसके लिए वेस्ट अलग स्टैंडर्ड्स रख रहा है और इंडिया के लिए अलग स्टैंडर्ड, क्योंकि वो यूरोपियन ब्रीड है, वो यूरोपियन लोग हैं जो इसराइल में आकर के उन्होंने ही बसाए हैं। तो उसको आप ना सोचें, इसराइल न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है, थ्रेट है, और ईरान बोलिए ठीक है फिर से फिरे रहते होंगे, लेकिन आज जो मेरी बात हुई है मैं बोला कि इसराइल विल बी वाइप्ड फ्रॉम द सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड, ईरान विल बी वाइप्ड फ्रॉम द सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड इफ इट रिटेलिएट्स, अगर उसने वापस किया तो ईरान विल सीज टू एग्जिस्ट, स्टोन एज पे ले जाएंगे उसे हम। ये वर्ड्स मेरे प्रोग्राम में बोले गए और एक इजरायली ने बोले। नहीं खैर, मेरा ख्याल ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को भी स्टोन एज में नहीं ले जाना चाहिए और इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़े को अब बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं कंट्रोल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।